गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप भी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी दावत व्लॉग। मैंने अभी दावत करी थी किसी की, तो उन्हीं में मैंने कैसे प्रिपरेशन करी वो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, दो दिन पहले की क्लिप थी। दो दिन पहले ही मैंने जैसे तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। तो मैं सबसे पहले मैं चटनी बना रही थी, खट्टी मीठी, जो कि मैं यूज़ करूँगी दही बड़ों के साथ। तो चटनी के जो इंग्रेडिएंट थे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। और अगर आपको पूरी फुल रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। और जब तक चटनी हमारी बन रही है, तो नेक्स्ट मैंने सोचा स्वीट पोटैटो बनाने की तैयारी स्वीट पोटैटो खीर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं शकरकंज की खीर बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने उसको बॉयल कर लिया था, स्वीट पोटैटोज़ को। वो 250 ग्राम के करीब थी और उनके ऐसे पीसेस कर लिए थे। थोड़ा सा ये गरम गरम ही रहेगा, तो इसको मैश कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के छान लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दो तरीके से बताऊँगी कि आप स्वीट पोटैटो की खीर मतलब कैसे बनाएं, मींस उनको पकाने से पहले क्या करें। या तो आप इसको ऐसे मतलब कर लें, लम्स फ्री कर लें, ऐसे चम्मच से चला के थोड़ा हल्का सा दूध या वगैरह वो डाल के, ताकि इसमें जो रेशे होते हैं शकरकंजी में वो रिमूव हो जाएं, आपके छन जाएं। और या फिर आप इसको मिक्सी में हल्का सा चला भी सकती हैं। तो ऐसे करने से आपकी खीर जो है बहुत ही गाढ़ी और स्मूथ सी बनेगी। मगर जो मेरे पास शकरकंज थी तो उसमें कोई रेशे वगैरह नहीं थे, तो जस्ट मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए दोनों ही वे में बता रही हूँ। तो बस मैंने ये हाफ़ के जी दूध लिया था और उसमें मैंने ये ऐड कर दी है स्वीट पोटैटोज़ अपनी, और इसको बस धीमी आंच पे चढ़ा देंगे गाढ़ा होने तक। और आगे मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैंने मतलब तैयारी इसकी प्रिपरेशन दावत की मैं कैसे करती हूँ, और एक दो आपको टिप्स भी मैं दूँगी ताकि आप मेरे तरीके से शेयर कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड और काजू है, अखरोट है और किशमिश। और फिर इसमें ऐड कर दिया था मैंने एक कटोरी के करीब शुगर। तो बस इसको अभी और पकाएंगे 10-15 मिनट, फिर हमारी देखिए कितनी गाढ़ी सी खीर बनके तैयार हो गई है स्वीट पोटैटो की। और इसको एकदम चिल्ड होने के लिए रख देंगे। कोई भी आप डिश बनाएं तो दो दिन पहले बना के रख लें, स्वीट डिश खास करके, क्योंकि वो चिल्ड ही सर्व करने में अच्छी लगती है। और अब देखिए, अब एक दिन पहले की ये क्लिप है, तो मुझे दही बड़े बनाने हैं, तो उसके लिए मैं ये दही जमा दूँगी। क्योंकि जाड़ों का दिन है तो दही आप कैसरोल में ही जमाएं। जब भी दही जमाने के लिए जो हम जामुन डालते हैं, उसे लोग तोड़ भी कहते हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा सी क्वांटिटी में ले लेते हैं ताकि दही हमारा अच्छा सा जमता है। और ये क्लिप जो है दावत वाले दिन की है। तो देखिए, मैं यहाँ दही बड़ा बना ले रही हूँ मॉर्निंग में सुबह सुबह, क्योंकि मैंने डिनर पे नहीं बुलाया था, लंच पे ही बुलाया था। तो फिर भी इतनी तैयारी करने के बावजूद भी इतना फटाफट काम करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं शामी कबाब के लिए मैंने कीमा तैयार कर लिया था, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। और धनिया कट कर लिया था और प्याज मैंने ऐसे लाल कर ली थी। और इसके बाद ये देखिए, मैं बिरयानी की तैयारी करने लगी थी, और साथ ही साथ में जो है हमारा ये मटर पनीर भी बनके मतलब तैयार हो गया था। मैंने इसमें बस एक सीटी लगा ली थी मटर के साथ, अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी, तो हमारा ये मटर पनीर भी रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, यखनी भी तैयार है बिरयानी के लिए। और बिरयानी को बस अब जो है पानी अच्छे से बॉयल हो गया था, तो मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिया था। तो देख सकते हैं आप कि कितनी जल्दी हो जाती है फिर एकदम से इतना काम करने के बावजूद भी। तो इसलिए ज़रूरी, जब भी आप किसी की दावत करें तो अच्छे से प्लानिंग और थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर लें, तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए, और साथ ही साथ आपको गेस्ट को भी टाइम देने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बिरयानी की लेयरिंग भी कर दी है, और अब बस इसमें ऊपर से धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था, और घी। ये कटलेट देखिए, ये भी तैयार कर लिए थे, और ये टिकिया भी बन गई है। शामी कबाब हमारा बस फ्राई करना बाकी है इन सबको। और बिरयानी को बस अब ऊपर नीचे कर देंगे और थोड़ा सा इसमें कपड़ा ढक के दम लगा देंगे। बिरयानी भी बहुत ही यमी एंड डिलीशियस बनी हुई थी। बस ऐसे कपड़े से करके दम लगा देंगे। बिरयानी को दम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखिए, हमारा मटर पनीर भी रेडी है, और साथ ही साथ मैंने जो है कटलेट और ये वो भी तल लिया था। और यहाँ पे देखिए, हमारी
ये टेबल लग गई है, ये मटर पनीर और बिरयानी और पूड़ियाँ भी हमने तली थी, ये सैलेड है और ये कबाब। तो अब मैं आगे आपको, और ये दही बड़े देख लें, और ये खीर हमारी बहुत ही डिलीशियस, साथ में ये चटनी। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और आगे मैं वहाँ पे गई लखनऊ हस्त शिल्प महोत्सव, उसकी क्लिप लगा दूँगी और साथ ही साथ आपसे बातें भी करती जाऊँगी प्रिपरेशन के बारे में। तो जब भी हम दावत करते हैं तो देखिए पहले मेन्यू बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना मेन्यू बना लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है, उसके बाद से मैंने जो है वो, और फिर मैंने सारे अपने इंग्रेडिएंट चेक कर लिए थे कि हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं कि, और जो नहीं होता है सामान उसकी हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाता है कि कोई भी एंड टाइम पे सामान हमें ऐसा ना हो कि हम कुछ कुकिंग कर रहे हैं वो सामान ही हमारे घर में ना हो। तो शॉपिंग करना और इंग्रेडिएंट देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं ज़रूरी ये करती हूँ। तो आप भी फॉलो करिएगा ये टिप। और नेक्स्ट जो है, फिर अगर आप कोई स्वीट डिश वगैरह बना रहे होते हैं तो वो सेकेंड डे मतलब 2 दिन पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्वीट डिश होती है वो जैसे चिल्ड ही सर्व करने में अच्छी लगती है। खाने में बहुत सी ऐसी होती हैं, खीर है, शाही टुकड़ा है, और भी बहुत सी पुडिंग वगैरह होती है या कस्टर्ड होता है, तो वो ठंडी अच्छी लगती है। तो ऐसे करके कुछ, और या फिर आप मसाला सारा तैयार कर लें जो भी डिशेज बना रहे हैं, और एक दिन पहले जैसे आप मैंने कबाब बनाया तो कीमा वगैरह एक दिन पीस के रख लिया था। कुछ मैरिनेशन वाला सामान होता है तो वो एक दिन पहले मैरिनेशन कर दें, और जिस दिन दावत होती है उस दिन, ताकि हमें कुकिंग वाला ही काम ज़्यादा रहे, क्योंकि हर चीज़ गरम गरम ही सर्व करने में अच्छी लगती है। तो बस ऐसी छोटी मोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर हमारी जो दावत होती है वो बहुत ही शानदार जाती है और लोगों को पसंद भी बहुत आता है, और फिर हम अपने गेस्ट को थोड़ा टाइम भी दे पाते हैं बातें करने के लिए, और बहुत हैट्रिक नहीं रहता है हमारे लिए। तो देखिए ये लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव की क्लिप है, मैं गई थी, ये आशियाना में लगा हुआ है स्मृति भवन में। तो ये 24 से लगा है, 24 जैन से, तो ये 7 फरवरी तक रहेगा। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर से विज़िट कर लें। ये सारी दुकानें वगैरह, इससे पहले भी मैं आपको भारत महोत्सव में जब गई थी तो वहाँ की भी मैंने ब्लॉग मेरे चैनल पे अपलोड है, तो देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, और ये लगा हुआ था लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव। तो हम लोग ने गए थे बस ऐसे ही और इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस बढ़िया था। अगर आप जाना चाहें तो 7 फेब से पहले जाइए।